हरियाणा निकाय चुनाव का परिणाम आ चुका है। परिणाम आने के बाद जहां कई प्रत्याशियों को निराशा हुई, वहीं कई खुशी मना रहे हैं। पंचकुला नगर निगम चुनाव परिणाम की बात करें तो यहां बीजेपी प्रत्याशियों का परचम लहराया है। कई अलग अलग वार्डों में जहां बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं, वहीं मेयर पद पर बीजेपी के कुलभूषण गोयल ने भी बाजी मारी है। कुलभूषण गोयल ने 2057 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस की उपेंद्र कौर अहलूवालिया दूसरे नंबर पर रही हैं। बता दें कि कुलभूषण गोयल वोटों की शुरुआत गिनती से ही अपनी बढ़त बनाए हुए थे। चलिए दिखाते हैं जीत के बाद कुलभूषण गोयल ने क्या कहा। हम भारतीय जनता पार्टी का आपको वोट जनता ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। देखो, जनता हमेशा सर्वोप्रिय होती है, पर पार्टी का आशीर्वाद और पार्टी के सारे लोग जब साथ लगते हैं तब जाके जीतते हैं। कुलभूषण जी का भी तकड़ा मुकाबला था, 2000 का मार्जिन रहा है, ज़्यादा मार्जिन भी नहीं रहा है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखो, जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम उम्मीद है कि उनकी उम्मीदों पर खड़े। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसको पूरा किया। चौथा पहिया लगता था जैसा कि ज्ञान जी कहते थे, तो अब चौथे पहिए का क्या रोल रहेगा? चौथे पहिए का तो आप तो आगे पता लग जाएगा आने वाले दिनों में। 3 महीने में हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं शहर को। अगले कुलभूषण जी, बात की जाए शहर की, तो अच्छा मार्जन आपको वोट पड़ा है, लेकिन यदि बात घग्गर पार की जाए, ग्रामीण क्षेत्र को ले या घग्गर पार के इलाके से, तो वहाँ जाके कुछ मार्जिन कम हुआ है, किस कैसे पूरा करेंगे घाटा आने वाले समय में? मेरे को तो नहीं लगता कहीं पे वोट कम पड़ी है, वोट ठीक पड़े हैं सबने, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में भी वोट पड़े, वहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वोट अलग से लगा। प्राथमिकता क्या रहेगी आप, क्योंकि चुनाव जीतकर मेयर की सीट के ऊपर, चेयरमैन के पद के ऊपर आसीन होने जा रहे हैं? प्राथमिकता तो हमने सारे संकल्प पत्र के अंदर जारी किए हैं, हम इसको शहर को स्मार्ट सिटी की तरफ जल्द से जल्द लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पार्टी है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, वोटिंग थोड़ी कम हुई, बहुत अच्छे बात। कुलभूषण जी, कांग्रेस के दिग्गज भी हार गए इस चुनाव में, कांग्रेस के दिग्गज रावल बंधु भावना गुप्ता क्या सोचते हैं कांग्रेस के खिलाफ एक लहर थी यहाँ? सर, 70% वार्डों में दूसरे उम्मीदवार जीते हैं, 30% उनके जीते हैं। वो सब आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये आपकी ये जो जीत है वो आने वाले दिनों आप किस तरीके से लोगों के सामने काम करना चाहिए? सर, पंचकुला को और सुंदर, स्वच्छ, हरा भरा और आत्मनिर्भर पंचकुला बनाएंगे। आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी और मनोहर लाल जी के शीर्ष हरियाणा किसान आंदोलन भी हो रहा है, उसका तो सर पंचकुला में फैक्ट्री है, पंचकुला में नहीं है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जीतेंगे बहुत। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।